पर इन्नी गल जरूर दसी है भी वह गोलियां चला के एक बार चले गए दोबारा वापस भी वह गोलियां चलाते ही उजूद हो गए। पहले एक बार गोलियां चला के चल गए फिर दोबारा वापस आए चेक करने वास्ते दोबारा वापस आए चेक कर आए ने भी कित बचता नहीं गया जबकि ये बहुत माड़ी घटना हुई है। इन्होंने बड़ी जल्दी कोई गल नहीं सारी गल पिक्चर सामने आ जानी है ये पिछे कौन है किमें होया सारा। मैं एको गल थोड़े माध्यम ने कहना चाहना भी ये किसी कीमत जो दोषी ने बख्शे जाने चाहे कोई गैंगस्टर है चाहे कोई निजी दुश्मनी का नतीजा जो भी हैगा उन्होंने पहल के आधार पर हल करके इनू असी सिद्धू मूसेवाले माँ को मोड़ तो नहीं सकते उसकी माँ की आंदरा जरूर ठंडियां करेंगे इन्हों फांसी तक की जी सज़ा की असी मंग भी करते हैं तो दबाने से पुरजोर यतन भी करेंगे। सिद्धू को भी रिवोल्वर है व्यापन हैगा से उन्होंने को तो गलबात हुई है कि सिद्धू ने भी कोई फायर किए या फिर गोलियां चलाईया हमलावर उत्ते या फिर उन्होंने नहीं की। इस गल की पुष्टि जो गुरप्रीत नाम के नौजवान ने करी है भी दो गोलियां सिद्धू मूसेवाले ने चलाईया उदों उन्होंने जी बांह से ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई उदों गोलियां असर कर गई सिद्धू की बांह हाँ जो तो उदों तक उन्होंने प्राण निकल गए ज मतलब गोली चलाने काबिल नहीं रहे दो गोलियां उन्हें माँ के पुत ने शेर ने जरूर चलाई व्यापन के दो ही गोलियां सन या फिर व्यापन पूरा लोडेड सी गल की पुष्टि नहीं हुई भी दो गोलियां से ज़्यादा गोलियां से दो गोलियां चलाने की पुष्टि हुई है। मैं कहना माँ ने शेर पुत जमया से जिन्हें डट के मुकाबला भी कर लास्ट टाइम तो सिद्धू ना कोई अपने दोस्तों गलबात भी हुई है उन्होंने कुछ किया दोस्तों जो पता लग्या क्योंकि शक तो उन्होंने पै गया भी गड्डी है पहले लगे फैन की गड्डी बाद च पता लग्या भी नहीं वाकई कोई माड़े अंसर ने यह जदों कहते भी असं बाहर निकलते हैं तो वो जिन्हें भी फैन जो खड़े होंगे से उन्होंने फोटो कराते आखिरी समय भी उन्होंने फोटो कराइया तो जदों उतों निकल गए ये थोड़ा पता से भी आखिरी फोटो होगी नहीं भी सुनने आ रहा ना जिम्मे अपना कहा जा रहा है कि एक गड्डी पहले मूहे लगती है तो सिद्धू वालों कहा जाता है कि हो सकता फैन हो मगर आ रहे हैं बाद उन्होंने भनक भी लग जाती भी नहीं ये फैन नहीं है ये कोई शरारती अंसर ने कि महसूस कदों की पता लगता भी कदों भी ये माड़े अंसर ने उन्होंने कहा भी जदों गड्डी अगे पिछे हो रही थी तो उन्होंने कहा भी शायद पर जदों गड्डी एक बार कहते ज़्यादा अगे निकल गई तो फिर उन्होंने कहा भी कोई फैन हो गए या किसी गलत फहमी कोई होगी पर जदों दोबारा वो गड्डी कहते भी घूम गया जी फिर इन्हों क्लीयर हो गया भी ये कोई माड़े अंसर ने पर उदों नूं तां परमात्मा ने जिहड़ी होणी बलवान है उन्हें आपदा करा करता है। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी जनबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना स्वतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435 0321।